प्रणव के अर्थों का विवेचन। वामदेव जी बोले, भगवान षडानन संपूर्ण विज्ञानमय अमृत के सागर, समस्त देवताओं के स्वामी महेश्वर के पुत्र, प्रणतार्ति के भज्जन कार्तिकेय, आपने कहा है कि प्रणव के 6 प्रकार के अर्थों का परिज्ञान अभीष्ट वस्तु को देने वाला है। ये 6 प्रकार के अर्थों का ज्ञान क्या है? प्रभो, वे 6 प्रकार के अर्थ कौन कौन से हैं और उनका परिज्ञान क्या वस्तु है? उनके द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु क्या है और उन अर्थों का परिज्ञान होने पर कौन सा फल मिलता है? पार्वती नंदन, मैंने जो जो बातें पूछी हैं उन सब का समग्र रूप से वर्णन कीजिए। सुब्रमण्यम स्कंद बोले, मुनिश्रेष्ठ, तुमने जो कुछ पूछा है उसे आदर पूर्वक सुनो। समष्टि और व्याष्टि भाव से महेश्वर का परिज्ञान ही प्रणवार्थ का परिज्ञान है। मैं इस विषय को विस्तार के साथ कहता हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, मेरे इस प्रवचन से उन 6 प्रकार के अर्थों की एकता का भी बोध होगा। पहला मंत्र रूप अर्थ है, दूसरा यंत्र भावित अर्थ है, तीसरा देवता बोधक अर्थ है, चौथा प्रपंच रूप अर्थ है, पांचवा अर्थ गुरु के रूप को दिखाने वाला है और छठा अर्थ शिष्य के स्वरूप का परिचय देने वाला है। इस प्रकार ये 6 अर्थ बताए गए। मुनिश्रेष्ठ, उन 6 अर्थों में जो मंत्र रूप अर्थ है उसको तुम्हें बताता हूँ। उसका ज्ञान होने मात्र से मनुष्य महाज्ञानी हो जाता है। प्रणव में वेदों ने 5 अक्षर बताया है। पहला आदि स्वर अ, दूसरा पांचवा स्वर उ, तीसरा पंचम वर्ग प्रवर्ग का अंतिम अक्षर म, उसके बाद चौथा अक्षर बिंदु और पांचवा अक्षर नाथ। इनके सिवा दूसरे वर्ण ही नहीं है। ये समष्टि रूप वेदादि यानी के प्रणव कहा गया है। नाथ सब अक्षरों की समष्टि रूप है। बिंदु युक्त जो 4 अक्षर हैं, वे व्यष्टि रूप से शिववाचक प्रणव में प्रतिष्ठित हैं। विद्वन, अब यंत्र रूप या यंत्र भावित अर्थ सुनो। वो अंतर ही शिवलिंग रूप में स्थित है। सबसे नीचे पीठ यानी के अर्घा लिखे, उसके ऊपर पहला स्वर अकार लिखे, उसके ऊपर उकार अंकित करे और उसके भी ऊपर पवर का अंतिम अक्षर मकार लिखे, मकार के ऊपर अनुस्वार और उसके भी ऊपर अर्धचंद्राकार नाद अंकित करे। इस तरह यंत्र के पूर्ण हो जाने पर साधक का संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है। इस प्रकार यंत्र लिखकर उसे प्रणव से ही वेष्टित करें। उस प्रणव से ही प्रकट होने वाले नाथ के द्वारा नाथ का अवसान समझे। मुने, अब मैं देवता रूप तीसरे अर्थ को बताऊंगा जो सर्वत्र गूढ़ है। वामदेव, तुम्हारे स्नेहवश भगवान शंकर के द्वारा प्रतिपादित उस अर्थ का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सद्यो जातम प्रपद्यामी, यहाँ से आरम्भ करके सदा शिवम तक जो 5 मंत्र है, श्रुति ने प्रणव को इन सब का वाचक कहा है। इन्हें ब्रह्म रूपी 5 सूक्ष्म देवता समझना चाहिए। इन्हीं का शिव की मूर्ति के रूप में भी विस्तार पूर्वक वर्णन है। शिव का वाचक मंत्र शिव मूर्ति का भी वाचक है, क्योंकि मूर्ति और मूर्तिमान में अधिक भेद नहीं है। ईशान मुकुटो पेतहा, इस श्लोक से आरंभ करके पहले इन मंत्रों द्वारा शिव के विग्रह का प्रतिपादन किया जा चुका है। अब उनके 5 मुखों का वर्णन सुनो। पंचम मंत्र ईशानहा सर्व विद्यानाम को आदि मानकर वहां से लेकर ऊपर के सद्योजात मंत्र तक क्रमशः एक चक्र में अंकित करे, फिर सद्योजात से लेकर ईशान मंत्र तक क्रमशः उसी चक्र में अंकित करे। यही 5 भगवान शिव के 5 मुख बताए गए हैं। पुरुष से लेकर सद्योजात तक जो ब्रह्मरूप 4 मंत्र हैं, वही महेश्वर देव के चतुर्व्यूह पद पर प्रतिष्ठित हैं। ईशान मंत्र सद्योजातादि 5 मंत्रों का समष्टि रूप है। मुने, पुरुष से लेकर सद्योजात तक जो 4 मंत्र हैं, वे ईशान देव के व्यष्टि रूप हैं। इसे अनुग्रहमय चक्र कहते हैं। यही पंचार्थ का कारण है। ये सूक्ष्म निर्विकार अनामय परब्रह्म स्वरूप है। अनुग्रह भी 2 प्रकार का है। एक तो तीरोभाव आदि 5 कृत्यों के अंतर्गत है, दूसरा जीवों के कार्य कारण आदि के बंधनों से मुक्ति देने में समर्थ है। ये दोनों प्रकार का अनुग्रह सदाशिव का ही द्विविध कृत्य कहा गया है।
मुने, अनुग्रह में भी सृष्टि आदि कृत्यों का योग होने से भगवान शिव के 5 कृत्य माने गए हैं। इन 5 कृत्यों में भी सद्योजात आदि देवता प्रतिष्ठित बताए गए हैं। वे 5 परब्रह्म स्वरूप तथा सदा ही कल्याणदायक हैं। अनुग्रहमय चक्र शांत्यतीत कलारूप है, सदाशिव से अधिष्ठित होने के कारण उसे परम पद कहते हैं। शुद्ध अंतकरण वाले सन्यासियों को मिलने योग्य पद यही है जो सदाशिव के उपासक है, और जिनका चित्त प्रणवोपासना में संलग्न है उन्हें भी इसी पद की प्राप्ति होती है। इसी पद को पाकर मुनीश्वर गण उन ब्रह्मरूपी महादेव जी के साथ प्रचुर दिव्य भोगों का उपभोग करके महाप्रलय काल में शिव की समता को प्राप्त हो जाते हैं। वे मुक्त जीव फिर कभी संसार सागर में नहीं गिरते। ते ब्रह्म लोकेषु परांतकाले परामृताः परिमुञ्चति सर्वे। इस सनातन श्रुति ने इसी अर्थ का प्रतिपादन किया है। शिव का ऐश्वर्य भी ये समष्टि रूप ही है। अथर्ववेद की श्रुति भी कहती है कि वे संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न है। संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करने की शक्ति सदाशिव में ही बताई गई है। चमकाध्याय के पद से ये सूचित होता है कि शिव से बढ़कर दूसरा कोई पद नहीं है। ब्रह्म पंचक के विस्तार को ही प्रपंच कहते हैं। इन 5 ब्रह्म मूर्तियों से ही निवृत्ति आदि 5 कलाएं हुई हैं। वे सब की सब सूक्ष्म भूत स्वरूपिणी होने से कारण रूप में विख्यात हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव, स्थूल रूप में प्रकट जो ये जगत प्रपंच है, इसको जिसने 5 रूपों द्वारा व्याप्त कर रखा है, वो ब्रह्म अपने उन 5 रूपों के साथ ब्रह्म पंचक नाम धारण करता है। मुनिश्रेष्ठ, पुरुष, श्रोत्र, वाणी, शब्द और आकाश, इन 5 को ब्रह्म ने ईशान रूप से व्याप्त कर रखा है। मुनीश्वर, प्रकृति, त्वचा, पानी, स्पर्श और वायु, इन 5 को ब्रह्म ने ही पुरुष रूप से व्याप्त कर रखा है। अहंकार, नेत्र, पैर, रूप और अग्नि, ये 5 अघोर रूपी ब्रह्म से व्याप्त हैं। बुद्धि, रसना, वायु, रस और जल, ये वामदेव रूपी ब्रह्म से नित्य व्याप्त रहते हैं। मन, नासिका, उपस्थ, गंध और पृथ्वी, ये 5 सद्योजात रूपी ब्रह्म से व्याप्त हैं। इस प्रकार ये जगत पंच ब्रह्म स्वरूप है। यंत्र रूप से बताया गया जो शिववाचक प्रणव है, वो नाद पर्यंत 5 वर्णों का समष्टि रूप है, तथा बिंदु युक्त जो 4 वर्ण हैं, वे प्रणव के व्यष्टि रूप हैं। शिव के उपदेश किए हुए मार्ग से उत्कृष्ट मंत्राधिराज शिव रूपी प्रणव का पूर्वोक्त यंत्र रूप से चिंतन करना चाहिए।